पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं के लिए अप्लाई करने के लिए रेखांकित किया गया है। अगर आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो www.passportindia.gov.in इस URL को भेज दीजिए। चूंकि इस पोर्टल के लिए आप नए हैं, गेटिंग स्टार्टेड लिंक पर क्लिक कीजिए। आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ कार्रवाई से पहले इस सेक्शन में उल्लिखित समस्त निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पासपोर्ट एप्लीकेशन बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत दिए गए समस्त अनुदेशों को भी आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को समझने के लिए पढ़िए। जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तारीख का सबूत, फोटोग्राफ के साथ पहचान पत्र, निवास का प्रमाण और राष्ट्रीयता का प्रमाण जरूरी है। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ कार्रवाई के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक कीजिए। इस सेक्शन में दिखाई गई लिंक पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए। यूजर लॉगिन पेज खुलता है। क्योंकि आप नए एप्लीकेंट हैं, रजिस्टर्ड न्यू यूजर लिंक पर क्लिक कीजिए। नए यूजर के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्शित होता है। आपके व्यक्तिगत विवरणों को एंटर कीजिए, जैसे कि जिस पासपोर्ट कार्यालय में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, आपका पहला नाम और उपनाम, ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी आदि। एक बार जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं, रजिस्टर बटन पर क्लिक कीजिए। आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक्टिवेशन लिंक के साथ पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगी। मेल को ओपन कीजिए और लिंक पर क्लिक कीजिए। नया पेज प्रदर्शित होता है और आपको आपका यूजर आईडी एंटर करने के लिए कहा जाता है। आपका अकाउंट एक्टिवेटेड होगा। आपको एक्टिवेशन संदेश मिलेगा और फिर से लॉगिन करने की जरूरत होगी। आपके अकाउंट के लिए लॉगिन करने के लिए आपका यूजर नेम, पासवर्ड और ऑन स्क्रीन टेक्स्ट एंटर कीजिए, फिर लॉगिन पर क्लिक कीजिए। आपको एप्लीकेंट होम नामक पेज पर पुनः निर्देशित किया जा रहा है। फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट लिंक पर क्लिक कीजिए। नए पेज पर आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के विभिन्न विकल्प देख सकते हैं, जैसे कि आप डिजिटल नागरिक हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन का चुनाव कीजिए। जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पासपोर्ट के प्रकार को निर्दिष्ट कीजिए कि क्या आप नए पासपोर्ट, साधारण या तत्काल पासपोर्ट या 36 पेज या 60 पेज पासपोर्ट बुकलेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इनमें से उचित विकल्प को सिलेक्ट कीजिए। कार्रवाई के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को मेन्यू के विभिन्न सेक्शंस के अंतर्गत संबंधित विवरणों को एंटर करते हुए फिलअप करना जरूरी है। आपका एड्रेस आपके जिले और राज्य को सिलेक्ट करके एंटर कीजिए। एप्लीकेंट विवरणों के अंतर्गत व्यक्तिगत जानकारी को फिलअप कीजिए, जैसे कि आपका पहला नाम, उपनाम, लिंग, जन्म तारीख आदि, और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। परिवार के विवरणों के अंतर्गत संबंधित टेक्स्ट बॉक्सेस में आपके माता पिता का नाम जैसे विवरणों को एंटर कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस के अंतर्गत घर क्रमांक, जिला, राज्य, पुलिस स्टेशन, पिन कोड आदि विवरणों को एंटर कीजिए। संपर्क विवरणों को भी एंटर कीजिए, जैसे कि आपका मोबाइल क्रमांक, टेलीफोन क्रमांक, ईमेल आईडी आदि, और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंतर्गत नजदीक के रिश्तेदारों, दोस्तों या पड़ोसियों के संपर्क विवरणों को एंटर कीजिए। आपको विवरणों को एंटर करना जरूरी है, जैसे कि नाम, पता, मोबाइल क्रमांक आदि। कार्रवाई के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आपको दो रेफरेंसेस के विवरणों को भी एंटर करना जरूरी है, जैसे कि उन लोगों का नाम, पता, मोबाइल क्रमांक आदि। प्रीवियस पासपोर्ट के अंतर्गत आप पहली बार एप्लीकेंट होने की वजह से नो विकल्प को सिलेक्ट कीजिए। पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन के भीतर आप आपके समस्त पासपोर्ट विवरणों की जांच कर सकते हैं। ये आपको दिखाता है कि आपकी जानकारी पासपोर्ट पर कैसे दिखेगी। कार्रवाई के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेल्फ डिक्लेरेशन के भीतर घोषणा को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद आई अग्री पर टिक कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म को देखने से पूर्व ही सेव करना चाहिए, इसलिए
सेव माय डिटेल्स पर क्लिक कीजिए और प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूर्वावलोकन करने के लिए कार्रवाई कीजिए। ऐसा करने पर आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म का पूर्वावलोकन प्रदर्शित होता है। प्रिंट या फॉर्म को बंद करने के लिए उचित बटन पर क्लिक कीजिए। फॉर्म के पूर्वावलोकन के बाद आप फॉर्म जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। बोन तो बोल रहे हो।